Assalamualaikum viewers, what's going on? This is me, Humar Zalia. Welcome back to my channel, In-Depth Reviews. और आज हम लोग बात करने वाले हैं the world's fastest chipset. अब आप लोगों को पता है कि development जो है वो रुक नहीं सकती और future आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा secure और ज्यादा से ज्यादा fastest देखने को मिलेगा. अब यहाँ पर जो मैं आप बात करने वाला हूँ कि आखिर इस fastest चीज के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो इम्प्लीमेंट की जाएंगी और इनके अंदर क्या क्या चेंजिंग्स आने वाली हैं फ्यूचर में, सो उसके बारे में बात करते हैं. तो आज हम बात करेंगे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 की, जो कि क्वालकॉम की तरफ से अभी इसको जो है वो टेस्टिंग डिवाइस के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया और देखा जा रहा है कि आखिर इसके अंदर क्या क्या चेंजिंग्स आ सकती हैं और इसकी जो परफॉर्मेंस है उसको कैसे मजीद इन्हेंस किया जा सकता है. सो बगैर टाइम जाए किए खड़ी है फिर शुरुआत. वेल, आप लोग मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा कि एक 855 जो है वो चिपसेट थी जो कि S10 के अंदर इम्प्लीमेंट की गई थी, वो एक सारे जो है वो काम आप लोगों के करती है. आप लोगों की तमाम स्पीडिंग उसके अंदर बे इंतहा के 2019 की फास्टेस्ट चिप थी. अब उसके अंदर हमारे तमाम काम हो रहे हैं, लेकिन मजीद जो है वो चिप्स को इम्प्लीमेंट करने का क्या मकसद बनता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि मुझे पता चले कि आप लोग क्या सोचते हैं. वेल, यहाँ पर मैं बता दूं आप लोगों के क्वालकॉम की तरफ से यानी स्नैपड्रैगन की तरफ से 865 जो है वो चिपसेट को लॉन्च करने का सोचा गया है, मतलब कि उसके पेटेंट आ गए हैं और उसको एक टेस्टिंग डिवाइस के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट करके दिया गया है. अगर आप लोगों ने वीडियो देखी हो मिस्टर हुज़ा बोस की, तो वहां पर उन्होंने स्पॉन्सर किया था उनको, तो वहां पर हमें पता चला था कि आखिर इस चिपसेट के अंदर क्या क्या चीजें आने वाली हैं नई और इसके साथ क्या क्या हो सकता है. अगर आप लोग देखें तो देखने में एक बहुत ही छोटी से साइज की, इतनी से साइज की जो है वो एक चिप है, लेकिन ये चिप जो है वो आपकी डेली परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा इन्हेंस करने वाली है. अगर आप लोग गेमिंग करने वाले हैं तो ये गेमिंग आप लोगों को बहुत ज्यादा इन्हेंसमेंट करके दे देगी और उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर जो मेन बड़ा डिफरेंस आएगा वो आएगा आप लोगों के डिस्प्ले पे. आप लोगों के डिस्प्ले का जो रिफ्रेश रेट है वो काफी ज्यादा जो है वो फास्टेस्ट हो जाएगा और उसको 20 हर्ट्ज से 144 हर्ट्ज जो है वो कर दिया जाएगा. और यहां तक ये देखने में आ रहा है कि ये 144 हर्ट्ज तक जो है वो आप लोगों के रिफ्रेश रेट को जो है वो कर देगी, जो बहुत ही ज्यादा फास्टेस्ट होने वाला है. अब यहाँ पर जो है वो स्नैपड्रैगन अपना एक सेलफोन जो है वो बनाने का सोच रहे हैं और ये जो सेलफोन स्नैपड्रैगन की तरफ से होगा ये काफी ज्यादा जो है वो मतलब दिलचस्प जो है वो डिवाइस लग रही है, क्योंकि इसके ऊपर हमें काफी तरह चीजें देखने को मिलने वाली हैं. अब आप लोगों ने काफी तरह इम्प्लीमेंटेशन देखी है, ट्रिपल कैमरा सेटअप आप लोगों ने देखा, क्वाड कैमरा सेटअप आप लोगों ने देखा, 48 मेगापिक्सल आप लोगों ने देखा, 20 मेगापिक्सल आप लोगों ने देखा, 108 मेगापिक्सल भी इवन आप लोगों ने देख लिया, पॉपअप कैमरा भी देखा और मतलब क्या क्या आप लोगों को आगे फ्यूचर में देखने को मिलने वाला है. सो ये सब कुछ डिपेंड करेगा इस चिप के ऊपर, क्योंकि जब अंदर वाला जो है वो सिस्टम मजबूत होगा, फास्टेस्ट होगा, तो ही बाहर वाली चीज को भी देखा जाएगा. तो यहाँ पर ये जो चिप है इसके अंदर आप लोगों की गेमिंग काफी ज्यादा जो है वो फास्टेस्ट होने वाली है, अगर आप लोग गेमिंग करने वाले हैं. सो ये जो चिप सेट आएगी ये होप्स हो कि हमें S11 के अंदर देखने को मिलेगी और S11 के भी काफी ज्यादा जो है वो पेटेंट आ रहे हैं और ये पूरी उम्मीद के साथ मैं कह सकता हूँ कि S11 के अंदर हमें जो है वो स्नैपड्रैगन की 865 देखने को मिलेगी. इसके अंदर जो मजीद इम्प्लीमेंटेशन होंगी वो अभी हो रही है और जो भी परफॉर्मेंस वगैरह को इन्हेंस किया जाएगा वो भी आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा. अब यहाँ पर ये जो चिपसेट है ये आप लोगों की बैटरी कंजप्शन को काफी ज्यादा कम कर देगी, आप लोगों के डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट को काफी ज्यादा बढ़ा देगी, आप लोगों के डिस्प्ले के जो कलर्स हैं उनको काफी ज्यादा जो है वो ब्राइट कर देगी, आप लोगों की गेमिंग जो है उसको भी काफी ज्यादा इन्हेंस कर देगी और गेमिंग के अंदर आप लोगों को किसी किस्म की लैगिंग नहीं देखने को मिलेगी. उसी के साथ साथ आप लोगों का जो डेली लाइफ के परफॉर्मेंस है या आप लोग कोई भी अपना सेलफोन किसी भी एक पर्टिकुलर जो है वो टास्क के लिए यूज करते हैं तो उसके अंदर आप लोगों का ये जो डिवाइस है ये काफी ज्यादा बेस्ट रहने वाली है. सो स्नैपड्रैगन 865 जो है वो आने वाली है नेक्स्ट ईयर में 2020 में, तो भाई बी रेडी, आप लोगों को फास्टेस्ट चिप देखने को मिलने वाली है. स्नैपड्रैगन की तरफ से भी आप लोगों को सेलफोन देखने को मिलेगा. ये एक क्विक अपडेट थी आप लोगों के लिए, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें. मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालदैन का ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.